ये देखिए रास्ता पत्थरों के बीच में से जाते हुए, ऐसा लग रहा है मैन वर्सेस वाइल्ड चल रहा है, जंगल सफारी चल रही है। ये पत्थरों के बीच सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं करजत, आपको करजत के सीनिक व्यूज भी दिखाऊंगा, ट्रैकिंग हो सके तो ट्रैकिंग भी करेंगे, केव्स में जा सकते हैं हम लोग आज अगर खुली रहेगी तो। बट फिलहाल तो आप मोटो व्लॉगिंग ही इंजॉय कीजिए। अब हम निकले हैं घर से अपने उरण से और हमको जाना है करजत, जो यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा हमको पहुँचने में। तो चलिए चलते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं और आपको बीच बीच में सीनिक व्यू दिखाऊंगा, थोड़ा आपसे बात भी करूंगा और करजत पहुंच के फिर ट्रैकिंग भी करेंगे। चलिए, तो बहुत सारे लोग जो ऐसे बोलते हैं कि सर आप मोटर व्लॉगिंग तो कर रहे हो, मोटर व्लॉगिंग, आपके पास तो बाइक नहीं है। तो भाई मोटर व्लॉगिंग करने के लिए बाइक की जरूरत नहीं है, स्कूटी नहीं है, आप तो साइकिल में भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बस ये कि आपका सेटअप वैसा रहना चाहिए, जैसे हेलमेट पहन के आप सेटअप करते हो वैसा रहना चाहिए। तो आप किसी भी चीज़ में मोटर व्लॉगिंग करो, जरूरी नहीं आपके पास सुपर बाइक हो या बाइक हो या कुछ हो। मैं तो एक्टिवा में करता हूँ कि मैंने चैनल की शुरुआत की है, अभी धीरे 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 शुरू में ही सब कुछ नहीं करूँगा। मेरा मेन इन्वेस्टमेंट मेरे गियर्स हैं, जो कैमरा गियर्स है, जो हेलमेट सेटअप है, तो वो सब मेरे गियर्स हैं। तो उसमें मैंने शुरू में थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, देखते हैं आगे चैनल अगर अच्छी तरह से ग्रो होगा तो आगे और भी चीज़ होती रहेगी, जो हर किसी के साथ होती है ना, वैसा ही है। और एक चीज़ आपको और बता दूँ कि मेरे चैनल में 200 सब्सक्राइबर अभी हो चुके हैं और मेरे 2200 घंटे पूरे हो गए हैं, तो मेरा टारगेट अभी और 800 सब्सक्राइबर और 1800 घंटे पूरे करने का। मैंने बहुत देखा कि लोग वीडियोज़ में व्यूज़ तो आ रही है, लोग वीडियोज़ देखते हैं, अच्छे अमाउंट अच्छे टाइम पर भी देखते हैं, बट लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको चैनल अच्छा लगा, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। इससे क्या थोड़ा हौसला मिलता है आदमी को कि हाँ भाई हम सही ट्रैक पे हैं और सही चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, तो आज तो हम जा रहे हैं क्या बोलते हैं तो आज तो हम मोटर व्लॉगिंग भी करेंगे और ट्रैकिंग भी करेंगे। आज हम जा रहे हैं करजत, यहाँ से जो 1.5 घंटा दूर है ना। तो देख लीजिए आपको कैसा लगता है वीडियो और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, है ना। चलिए, मौसम थोड़ा ठंडा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ठंडा है, धूप पूरा खिलके नहीं आ पा रही है, आगे पूरा फॉग फॉग टाइप हो रहा है, धुंधला 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 हो रखा है, दूर की विजिबिलिटी थोड़ी कम है, पर इतना भी फॉग नहीं है भाई, मुंबई में इतना नहीं लगता। मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब डिसेंट मौसम है, एक जैकेट पहना और जा सकते हैं उसमें आराम से, ठंडा इतना लगेगा नहीं। धूप वो देखिए, सन निकल रहा है उधर से, रोड एकदम खाली है, पीछे की रोड लिए मैंने धुआंगिरी से, एकदम खाली रोड है, चलाने का अलग ही मजा आता है इसमें, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता, आगे जाके हाईवे में मिल जाएंगे हम तो ट्रैफिक जरूर रहेगा, पर इधर पे थोड़ा आराम से। देखिए ट्रेनिंग स्कूल वाले भी इधर पे ट्रेनिंग करा दे, क्योंकि रोड पूरी खाली रहती है ना। चलिए, तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे आगे जाके आपको नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन मिलेगा, उससे पहले यहाँ पे दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी पूरी प्लॉटिंग होकर बिल्डिंग्स बन रही है, क्योंकि ये एयरपोर्ट के नज़दीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक है, यहाँ पे पूरी बिल्डिंग चल रही है। और ये हाईवे को भी इतने अच्छे से बनाया हुआ है कि एयरपोर्ट जाने के लिए हमको हमारे उरण से 20 से 25 मिनट लगेगा सिर्फ। ये पूरा एरिया अंदर कनेक्ट है, देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, प्लॉटिंग पूरी हो चुकी है, उस साइड की बिल्डिंग सब बन चुकी है, एयरपोर्ट का काम जोरों पर है, देखते कब तक खुलते हैं लोग एयरपोर्ट, क्योंकि बहुत ईजी पड़ जाएगा हमारे लिए, तो बहुत ईजी पड़ जाएगा। उरण से डायरेक्ट नवी मुंबई जाना है, नवी मुंबई मतलब पनवेल जाना है, और वहाँ से आपको जहाँ चाहिए जा सकते हो, क्योंकि अभी हमको जाना पड़ता है पूरा अंधेरी साइड और बहुत लंबा पड़ता है भाई, बोलेगा तो बहुत लंबा पड़ता है। ये पूरा एयरपोर्ट का साइट है, आगे की तरफ से जाके एयरपोर्ट का पूरा साइट है, उस तरफ तो जा नहीं रहा हूँ, तो इस तरह जाऊँगा तो हमको बाद में दिखाऊंगा। तो अभी हमको जाना है सीधा और वो जाता है लेफ्ट मंदिर की तरफ और 2 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं सीधा अपनी डेस्टिनेशन की ओर, जो है करजत आज के लिए। चलिए, तो
ये हम आ गए हैं ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे में। यह टोल नाका, हमको जाना है करजत, और करजत में हम जो पहली चीज़ एक्सप्लोर करेंगे वो है कोंडाना केव्स। दिखा तो रहा 24 आवर्स ओपन, चलिए देखते खुला है कि नहीं। यहाँ आजकल जहाँ भी जा रहे हैं सब बंद ही रह रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि ये बंद होना चाहिए। खुल तो चुका है मुंबई में, बहुत सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, बहुत सारी नहीं सब कुछ ही ऑलमोस्ट खुल चुका है। तो आज तो हम जाएंगे पहले कोंडाना केव्स। तो कोंडाना केव्स जाने के लिए हमको इधर से लगेगा यार 1 घंटा दिखा रहा है गूगल। चलते पहुँचते हैं कोंडाना केव्स आराम आराम से, जल्दी में नहीं है, आराम आराम से जाएंगे। वैसे भी गाड़ी हम 30-40 के ऊपर चलाते ही नहीं है, आराम आराम से जाएंगे। चलिए उधर ही पहुँच के मिलता हूँ आपसे कोंडाना केव्स में। तो ये है करजत का एक स्टूडियो, एनडी स्टूडियो बोलते हैं इसको। इधर जाना भी हमको अलाउड नहीं है, तो अंदर शूटिंग चलती है, पिक्चरों की शूटिंग होती है इधर। ये देखा आपने, ये है एनडी स्टूडियो, ये बॉक्स ऑफिस, ये सब दिख रहा है आपको। ये देखिए एनडी फिल्म स्टूडियोस, एनडी फिल्म वर्ल्ड। तो यहाँ भी अपने को जाना अलाउड नहीं है, कोई नहीं चलिए। हमको जाना है कोंडाना केव्स, तो यहाँ से और 20 किलोमीटर दूर है, चलिए चलते हैं। कितना ब्यूटीफुल नज़ारा, देखिए सामने पहाड़ पहाड़ पहाड़, बीच में ये रोड। रोड थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं कैमरा ऑन करके आप लोग को भी दिखा दूँ, है ना। देखिए अच्छा, यहाँ पे रेडिसन होटल भी है, ओके रेडिसन ब्लू होटल भी है, गाड़ी जा रही है रेडिसन ब्लू की, रिसॉर्ट एंड स्पा। तो ये चीज़ तो मैं पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ भाई, बहुत दिन से इधर रह रहा हूँ, बट मैं करजत में कभी आया नहीं। आज देखता हूँ करजत का, जहाँ हम केव्स में जा रहे हैं कोंडाना केव्स, वो भी देखते हैं। मेरे को लगता है आज कोंडाना केव्स ही एक्सप्लोर हो पाएगा, देखते टाइम बचेगा तो कुछ और भी एक्सप्लोर करेंगे, है मेरे दिमाग में और भी। आज फिलहाल देखते कोंडाना केव्स ही एक्सप्लोर करते हैं। रास्ता बहुत लंबा है, अभी भी आधा घंटा दिखा रहा है, क्योंकि रास्ता ऐसा ख़राब वाला है, अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है चलिए। तो हेलो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं कोंडानी केव्स, जो यहाँ से ऊपर आधा घंटा है चलने का। ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे, बात करते हुए जाएंगे, पीछे एक ग्रुप भी जा रहा है। सैटरडे संडे ज़्यादा भीड़ रहती है, आज तो पूरा खाली है, क्योंकि रास्ता एकदम, एक बार तो बीच में रिटर्न ही चला गया था, मैं बोला कहाँ जाऊँगा अभी। बट यहाँ पे एक ग्रुप तो जा रहा है, देखते कहाँ से जाना है, चलिए चलते। तो ये है भाई रास्ता जंगलों का केव्स में जाने के लिए, मेहनत हो रही है ऊपर जाने के लिए, देखते सांस फूल रही है भाई, तब से चलने में लगा हूँ मैं। अभी अपने को आदत नहीं ना इतना चलने का, तो जब चलते नीचे से, अच्छा मैंने एक बोतल पानी ले ली, कुछ कैरी नहीं कर रहा था, बट अभी मैं ले ली बोतल पानी, बोला चलो जाते हैं यहाँ से। तो चलिए चलते हैं ऊपर, रास्ता बड़ा डेंजर है भाई, ये कैसा रास्ता है भाई, जंगल जंगल का रास्ता है भाई, ना चढ़ने का रास्ता है वो, ये ऊपर। ट्रैकिंग का अपना एक अलग मज़ा है, चलते रहो ट्रैकिंग करते रहो, धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी अपने को। भी उधर गए थे हम कहाँ, एलिफेंट है, वहाँ भी ट्रैकिंग की, कोंडाना केव्स है, यहाँ भी ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे, इसका एक अलग ही मज़ा आता है। हालांकि हमको आदत नहीं है, बट फिर भी चलता है यार, एक तो सामान भी ढो रहे पीछे गियर्स। चलो ऊपर चलते हैं भाई, देखिए आगे का नज़ारा, खतरनाक रास्ता है भाई, तो बड़ा खतरनाक रास्ता है, सीधी चढ़ाई है ऊपर, बोलेगा तो एकदम सीधी चढ़ाई, पत्थर पत्थर और भागो। मज़ा आ रहा है ना आपको देखने में, हमको ऐसे चलने में मज़ा आ रहा है, ऐसे चलने में बहुत मज़ा आ रहा है भाई,
गांव वाले बता दे कि इस तरह से जाओ, हम इस तरह से जा रहे हैं, कोई स्पेशल रास्ता तो रूट बनाया नहीं। पीछे लोग आपको लोगों के आवाज आ रही है, ग्रुप चल रहा है, हम भी उसमें चल रहे हैं। ये नया शौक पाला हमने ट्रैकिंग करने का, हेल्थ के लिए ठीक है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी है। चलिए और चलते ऊपर आगे, रास्ता देखिए, रास्ता बड़ा डेंजर है ना, ये देखिए ऊपर चढ़ने का। बड़ा डेंजर रास्ता है भाई, बारिश में अच्छा वाटरफॉल होता होगा इधर। ये सर उड़ी मार दी वाला, अभी और 15-20 मिनट बचा है, चलते हैं ऊपर। रास्ता यही है ना भाई? हाँ तो यही है ना। चलो ये वीडियो करना, इससे ना फोटो करना। चलो यार चलते हैं ऊपर, ये ग्रुप तो नीचे रुक गया है, इनके चक्कर में रहूँगा तो मैं और लेट हो जाऊँगा, मुझे वापस भी आना नीचे, लोग तो यहाँ नाइट स्टे करेंगे, मुझे तो वापस घर भी जाना। चलो चलते ऊपर, देखते हैं रास्ता कहाँ से है, ट्रैकिंग का अपना एक मजा है। कुत्ते लोग और घूम रहे हैं इधर, वो डॉगीज और घूम रहे हैं। भाई साहब कितना ऊपर है भाई, बहुत ऊपर है। सैटरडे संडे ज़्यादा भीड़ रहती है, खैर आज तो नहीं है, सैटरडे संडे तो ज़्यादा भीड़ रहती है, लोग नीचे लगे हुए हैं और हम जा रहे हैं ऊपर। ऊपर से रिटर्न भी आना टाइम पे, तो चलिए चलते हैं। मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ता तो कोई मालूम ही नहीं किधर क्या है। इधर बैठने के लिए बनाया गया है देखिए, और बारिश के मौसम में इधर वाटरफॉल बहुत अच्छा होता होगा, पानी बहता ऊपर से आता होगा। सांस तो चढ़ रही है, पर वो देखो सामने है कि जिधर हमको जाना था, तो मेहनत लगी पर हम पहुंचने वाले हैं। सामने है केव्स दिख रही है, पता नहीं किसने कहा भाई ये केव्स, बुद्धिस्ट केव्स है बोलते हैं, बुद्धा कल्चर है इधर, किसी ने तो बनाई होगी। और हम सही रास्ते पे आ गए, सांस में आफत थी क्योंकि आदत नहीं मुझे ट्रैकिंग करने की, हर किसी को नहीं होती भाई। हमने अभी नया नया चालू किया, इतनी मेहनत लग रही है भाई। जो भी मेरा वीडियो देख रहा हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए भाई, इसी से ही उत्साह बढ़ता है हमारा वीडियो बनाने का। ये देखिए सामने है केव्स, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन यही केव्स है जिसके लिए हम इतने दूर से आए चल के। चलिए ऊपर जाते हैं, अंदर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। चलिए मंजिल तो सामने ही है, मैंने बोला था दूर से चल के, तब से बैठा नहीं, आधे घंटे से चल ही रहे, तो थोड़ा सा बैठ के आराम करते हैं ताकि उधर अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींच लूँ, टाइम निकाल के इतना लंबा आया हो तो। अच्छा सुनिए, अगर आप ऊपर आ रहे हैं तो भाई नॉर्मल डे में नहीं आ रहे, सैटरडे संडे, तो इधर खाने पीने का ज़्यादा इंतज़ाम होगा नहीं। मैंने नीचे आपको दो चीज़ दिखाई, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सैटरडे संडे, बट नॉर्मल डेज में आएंगे तो प्लीज़ अपना इंतज़ाम खुद ही करके आइए, पानी की बॉटल, खाना पीना अपने खुद ही करके आइए। और जो हार्ट के पेशेंट है भाई, इतना लंबा मत चढ़ो, बहुत मुश्किल है ऊपर चढ़ना। चलिए माउंट एवरेस्ट तो क्लाइम नहीं कर रहे हम भाई, हमने थोड़ा सा चीज़ क्लाइम की और हमारी हालत हो गई, ख़राब तो नहीं हुई बट ठीक है, थोड़ा सा आराम कर लिया। और अभी चलते हैं ऊपर, केव्स एक्सप्लोर करते, फ़ोटो खींचते। चलिए ये ही रास्ता है केव्स का, तो ये केव्स डिज़ाइन की गई है, बट इसकी रख रखाव ज़्यादा हो नहीं रही क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट नहीं होते होंगे, टूरिस्ट नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा रख रखाव के लिए, है तो अच्छी शांत जगह वही है। हमने स्कल्पचर्स, ये है पूरी केव्स, आवाज़ गूंज रही है मेरी, ये है पूरी केव्स, पीछे देखिए देख सकते हैं, यह पूरी केव्स। चलिए ये केव्स है जिसको हम देखने आए थे,
शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा, अंदर थोड़ा लेके चलते हैं आपको। तो यही केव्स थी, अंदर स्कल्पचर्स है, देख सकते हैं आप। लोगों ने अपना नाम लिखा हुआ भाई, स्वच्छता रखा भाई, स्वच्छता तो रखा ही है हमने। एक दो फोटो खींचते इधर पे, फिर चलते हैं यार। ट्रैकिंग का भी मज़ा हो गया, अल्लाह हमने डेस्टिनेशन भी देख ली, बहुत अच्छा लगा। चलिए चलिए यार, केव्स को कर दिया अलविदा, चलते अभी नीचे की तरफ, क्योंकि हमारा हो गया है केव्स विजिट। वीडियो हमने बना दी, फोटो हमने खींच ली, अभी इधर एक ग्रुप है, ये लोग इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे स्कूल के। हम जाते हैं नीचे की तरफ ट्रैकिंग करते हुए अगेन वापस, ट्रैकिंग में तो मज़ा आ रहा है। अभी नीचे की तरफ जाते हुए सबको लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होती, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नीचे की तरफ ट्रैक करते हुए। ऊपर तो आप चढ़ते हो तो प्रॉब्लम होती है, नीचे उतरते हो तो आपको बैलेंस पीछे की तरफ बना के रखना पड़ता है, और आपके पाँव में प्रेशर ज़्यादा आता है जिसकी वजह से आपकी काफ मसल ज़्यादा दुखती है जब नीचे उतरते हो। तो नीचे उतरना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चढ़ना प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं वैसे जी की चढ़ाई तो चढ़ता रहता है, मुझे मालूम है। चढ़ते समय की प्रॉब्लम नहीं होती, उतरते समय प्रॉब्लम होती है, उतरते समय ज़्यादा प्रेशर आता है, बैलेंस ज़्यादा बना के रखना पड़ता है। चलिए चलते हैं नीचे ट्रैक करते हुए, और मिलेंगे आपको नीचे। अभी आज के लिए तो बस इतना ही, क्योंकि अभी और कहीं तो मैं जाऊँगा नहीं, टाइम भी हो गया और समय कम है हमारे पास, और भी बहुत सारे काम रहते हैं, एक दिन अपना काम से निकाल के आना पड़ता है, हफ्ते में एक दो दिन निकालता हूँ। तो चलते हैं अभी नीचे ट्रैकिंग के लिए, चलिए आपको दिखाता हूँ बीच बीच में। बाबा पूरा भूल भुलैया रास्ता है, जिस रास्ते से आए थे वही रास्ते से रिटर्न जाना है। यहाँ का रास्ता तो भी ठीक है, पैदल निकल लेंगे, बट स्कूटी का रास्ता तो बहुत ही ख़राब है, मतलब बहुत बोलेगा तो रास्ते की हालत बहुत ख़राब है। इधर कोई डेवलपमेंट नहीं है, इतना अच्छा केव है, लोग देखने आते हैं सैटरडे संडे, पर इधर कोई डेवलपमेंट नहीं है। चलो खैर, इसका भी अपना ही मज़ा है, नेचर का एक अपना ही मज़ा होता है अलग से, कुछ चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए। तो जिसको भी जो मेरी वीडियो देख रहा है भाई, इधर आना है तो टाइम निकल के आइए, ग्रुप में आइए, सोलो आना है तो सुबह के टाइम पे आइए। देखिए आप किसी ग्रुप के आजू बाजू हो, अकेले तो मत ही आइए, सजेस्ट तो मैं करूँगा नहीं, एक दो लोग मिल के आइए, क्योंकि कहीं कुछ भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते किसी चीज़ के बारे में। हमने तो एक रिस्क ले लिया और आ गए, बट क्योंकि हमें मालूम नहीं था ना ऐसा रास्ता, मुझे लगा लोग रहेंगे, नीचे जाके देखा तो कुछ भी कोई भी नहीं है। अभी नीचे उतर रहा हूँ मैं, ये फेंसिंग लगा रखी है इधर, तोड़ रखी है लोगों ने। चलिए नीचे चलते हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी भाई, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई और बहन दोनों। चलिए चलते हैं नीचे। अच्छा, आज हम अपना ट्रैकिंग वाला शू पहन के आ गए, मैं तो ज़्यादातर तो मैं सैंडल्स ही प्रेफर करता हूँ, शूज़ तो मैंने सोचा था, मुझे लगा ही था कि ट्रैकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल मैप दिखा रहा था एक जगह गाड़ी खड़ा करने के बाद चलने का रास्ता, ट्रैकिंग का शूज़ पहन के आ गया था। हमारे लिए थोड़ा अच्छा, ग्रिप अच्छी मेंटेन हो रही है नीचे जाने के लिए, क्योंकि नीचे जाने से हमें बॉडी का फोर्स आगे रहता है और अपने को पीछे की तरफ होना पड़ता है, ताकि अपन फ्लो के साथ नीचे ना गिर जाए। ये देखिए कैसे जा रहे हैं, यही है। अच्छा, हम शू पहन के आया भाई, चलो चलते हैं। ये देखिए आगे का रास्ता, मज़ा आ रहा है, चिड़िया की आवाज़, हमको तो जाना है। यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो खींचा, यहाँ पे पानी बहता होगा तो बड़ा मज़ा आता होगा भाई, बैठने में अच्छा लग रहा है, सुकून है ना। चलिए चलते हैं। गाँव वाले नीचे लगता है लकड़ी काट रहे, आवाज़ आ रही है, ट्रेन की भी आवाज़ आ रही है। हाँ, लोना वहाँ से लोना वाला की ट्रेन चलती है, लोना के पहाड़ों के से उतनी ट्रेन जाती है, उधर की आवाज़ आ रही है। और गर्मी बहुत हो गई है भाई, सवेरे जैकेट पहन के चले थे, अभी इतनी गर्मी है कि जैकेट भी अंदर रखना पड़ रहा है। देखिए पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत हो गई, सीधा पड़ रही है अपने पर गर्मी, कैमरे में दिख ही रहा होगा आपको। तो चलिए यार, थोड़ा चढ़ना पड़ेगा अभी,
उतरने के लिए पहले चढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा और। चलिए चलते हैं, ट्रैकिंग के शौकीन लोग इधर आ सकते हैं भाई, अच्छी जगह ट्रैक करने के लिए। प्रेफरेबली सैटरडे संडे आइए, आप अकेले नहीं रहेंगे और सारे और बहुत सारे लोग आएंगे आपके साथ, तो बहुत सारे लोग रहते हैं थोड़ी सेफ्टी रहती है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, इधर तो आज मुझे कोई है ही नहीं, पीछे से कोई आवाज़ आने वाली है नहीं, खाली आप और मैं हूँ। देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है आपको, मैं कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कितना मज़ा आ रहा है ना। चलिए ये देखिए रास्ता पत्थरों के बीच में से जाते हुए, सर लग रहा है मैन वर्सेस वाइल्ड चल रहा है, जंगल सफारी चल रही है। ये पत्थरों के बीच में जाते हुए, बॉडी आगे भाग रही पर अपने को रोक के चलना है यार, नहीं तो आगे सीधा पत्थर में गिरेंगे। हेलमेट वेलमेट कुछ पहना नहीं है भाई, मज़ा आ रहा है आप लोग को देखने में, मज़ा आ रहा है तो मज़ा आ रहा है, अच्छी बात है, मज़ा आना चाहिए। जो इधर के लोकल हो आके इधर एक्सप्लोर कर सकते हैं, या किसी ने किया भी होगा जो मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे, नहीं किया था आके एक्सप्लोर कर लीजिए, डिटेल्स ये तो मुझे पूछ लेना बता दूंगा मैं, गूगल में लोकेशन अवेलेबल है पहुँचने के लिए, तो हम ऑलमोस्ट नीचे उतर चुके हैं है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, हम वीडियो इधर ही एंड कर रहे हैं क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी नहीं तो और। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, और मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियो के साथ। और अगर आपको कुछ चीज़ एक्सप्लोर करनी तो मुझे बताइए, मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ, कमेंट्स में शेयर कीजिए कहाँ मैं जा, कहाँ मुझे जाना चाहिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और क्या बोलते हैं कर जाते हैं बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, आज हम सिर्फ ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये हमने केव एक्सप्लोर किया आज, नेक्स्ट टाइम कर जाएंगे तो कुछ और एक्सप्लोर करेंगे, डैम्स भी है सब कुछ है, ज़्यादातर कोविड के चक्कर में बंद है अभी फिलहाल, केव में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, हम चले गए। ठीक है, चलिए बाय बाय।